हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर के प्लांट मैंने बीज से ग्रो किया था। बीज से ग्रो करने का जो वीडियो मैंने बनाया था वो मेरी गलती से डिलीट हो गया और उसे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट ये प्लांट अब 20-25 दिन में कुछ इतने बड़े हो गए हैं। चलिए, आज हम इसे करेंगे रीपॉट, इसे पॉट देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में ये बहुत ढेर सारे टमाटर हमें देंगे। किचन गार्डनिंग में एक और बढ़ोतरी करते हैं टमाटर के इस प्लांट को लगाकर। एक पॉट में अच्छा रिजल्ट है, एक में चार प्लांट ही बने हैं, लेकिन वो जो चार प्लांट हैं वो भी हेल्दी हैं। तो चलिए इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो ये वेल ड्रेन सॉयल है जिसमें रेत की मात्रा पहले से ही मिक्स है। मैं ऑलरेडी कभी भी जब अपनी मिट्टी को सुखा कर रखती हूँ उसी वक्त मैं उसमें रेत मिक्स करके रख देती हूँ ताकि पॉट मिक्स बनाने समय हमें वो परेशानी ना आए। मैं इस ग्रो बैग में लगाऊंगी और इसे आधा ही फिल करूंगी। आधा हम धीरे धीरे जब आगे चलकर फर्टिलाइज करते जाएंगे तो ये अपने आप ही भरता जाएगा और हमारे प्लांट को पोषण मिलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस मिट्टी को हम खाली कर लेते हैं। देखिए, मैंने इस मिट्टी को खाली कर लिया है और क्योंकि यही ग्रो बैग में यूज़ करने वाली हूँ तो इसे ही हम प्रिपेयर करेंगे। ये ऑलरेडी पहले मैं इससे एक फसल ले चुकी हूँ तो इसमें मैंने होल्स पहले बनाए थे जो अभी भी आप इसमें देख पा रहे होंगे। यहाँ यहाँ पर इसमें होल्स हैं, इस तरह से दूसरी साइड भी होल्स हैं। तो बस मुझे इन होल्स को थोड़ा सा क्लियर कर देना है ताकि कहीं अगर ये बंद हो गया हो तो दोबारा से इसका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो ग्रो बैग है वो दोबारा यूज़ करने लायक बन जाएगा। तो ये मैं कर लेती हूँ। इस काम को करने से हमारे जो भी ये हम पॉट बना रहे हैं उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े होल्स भी बना रही हूँ जो इसकी एकदम तली में आएगा, एकदम नीचे वाले बेस में आएगा। तो वो भी मैं यहाँ पर 2 से 4 बना ले रही हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ ताकि जब मैं इसके ऊपर कुछ पत्थर वगैरह रखूँ वो सही से काम कर पाए। मैं हमेशा अपनी गार्डनिंग में आप सभी को बताती हूँ कि वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उन्हें फेंके नहीं, उनको आप दोबारा से यूज़ करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और हम गार्डनिंग करने में कम खर्च करें, हमारा खर्चा भी बचा रहे। तो इस तरह से हमारा ग्रो बैग तैयार हो गया है और ये देखिए, इस तरह से हमें इस कॉर्नर को जो है अंदर की साइड पुश करके यहाँ पर एक इस तरह का कॉर्नर सा तैयार कर लेना है। ये हम दोनों साइड से करेंगे। दोनों साइड से करने के बाद हमारा जो ग्रो बैग है वो इसी बेस पे टिक पाएगा, खड़ा रह पाएगा। तो देखिए, इस तरह से हो गया। अंदर से हाथों से आप उसे ठीक कर लें जिससे ये राउंड शेप में आ जाएगा और हमारा ग्रो बैग अपने आप ही खड़ा रहने लग जाएगा। अब हमारा ग्रो बैग हो गया है तैयार। अब हम जो हमने होल्स बनाए थे उसके ऊपर कुछ रखेंगे पत्थर वगैरह ताकि हमारी जो मिट्टी है वो ग्रो बैग से बाहर ना आ जाए। ग्रो बैग में काम करते समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर आप इस तरह से पत्थर नहीं रखते हैं तो आपके ग्रो बैग के उन होल्स पे ना मिट्टी जम जाती है और जिसकी वजह से बाहर पानी फिर निकासी अच्छी नहीं रह पाती। उसके बाद हम इसके सॉयल मिक्स को तैयार करेंगे। सॉयल मिक्स तैयार करने के लिए हमारा सॉयल और साथ में देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है किचन कंपोस्ट। ये किचन कंपोस्ट मैंने कैसे तैयार किया ये आप सभी के साथ शेयर किया है मैंने। आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा होता है और किचन कंपोस्ट भी। देखिए, ये जो किचन कंपोस्ट है ये देखिए, इस वर्मी कंपोस्ट से कम नहीं है। मैंने ये अपने घर पे तैयार किया है। कैसे तैयार किया है ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी लास्ट वीडियो मैंने डाला था जब ये कंपोस्ट मेरा तैयार हो गया था उसके ऊपर। तो चलिए, आज इसको हम यूज़ करते हैं। हमारा सॉयल जो हमारा गार्डन सॉयल है उस सॉयल में हम डालेंगे ये किचन वेस्ट, साथ में DAP फंगीसाइड और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। तो चलिए, हम सबसे पहले फंगीसाइड को इसमें मिक्स कर लेते हैं।
तो एक पॉट के हिसाब से अगर आप समझें तो इस तरह से मैंने हाफ चम्मच इसमें फंगीसाइड मिलाया है, और कुछ हम इस तरह से 5 से 10 दाने हम DAP के डाल रहे हैं, लगभग 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं एप्सम सॉल्ट, और उसके बाद 2 बार हम इस तरह से इसमें हम डाल रहे हैं ये हमारा किचन वेस्ट। इतना सफिशिएंट रहेगा 1 से 2 पॉट के लिए जो हम ये सॉयल मिक्स तैयार कर रहे हैं। ये सॉयल मिक्स जब मैं बना रही हूँ तो ये पूरा मैं फिल नहीं करूँगी, इसमें से मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में भरूँगी जो मुझे लगता है कि 2 से 3 पॉट में भर जाएगा। तो देखिए हमारा सॉयल मिक्स हो गया है इस तरह से तैयार, एकदम हेल्दी हो गया है हमारा सॉयल। अब हम हमारे ग्रो बैग को लेंगे और सबसे पहले उसके नीचे हम थोड़ा सा जो हमारा सिंपल गार्डन सॉयल है उसको फिल कर लेंगे, और उसके बाद हम पॉट को ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करके उसे पूरा पॉट वाला रूप दे देंगे। देखिए इस तरह से हो गया तैयार। अब सबसे पहले प्लेन सॉयल हम थोड़ा सा भरेंगे उसमें नीचे लगभग 1 इंच तक, और उसके बाद जो आपके गार्डन में जितने भी ग्रीन वेस्ट होते हैं वो डाल दीजिए, साथ में इस तरह से कोई आपके पास कार्डबोर्ड वगैरह है तो वो भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, और उसके ऊपर से फिर दोबारा आप ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट कुछ भी डाल सकते हैं जिससे आपके पॉट में नीचे की साइड से अपने आप ही फर्टिलाइज़र भी तैयार होता रहेगा और ऊपर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। ऊपर से फिर आप वो प्लेन मिट्टी उसमें भरें। ये भरने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका पॉट तैयार हो जा रहा है। सारे जो ग्रीन वेस्ट है उसे आपने कवर कर देना है, वो बाहर नहीं रहना चाहिए, तो उस ग्रीन वेस्ट के ऊपर 2 से 3 इंच आपने भरना है। देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि हाफ ये भर गया है फिर भी मैं 2 हाथों से आराम से उठा ले रही हूँ, बिल्कुल भी भारी नहीं होता ये। उसके बाद हम हमारा बनाया हुआ जो ये फर्टिलाइज़र बेस्ड हमारा सॉइल मिक्स है इसे भरेंगे, वो भी हम इसमें करीब 3 से 4 इंच तक भर देंगे। बस इतना सफिशियंट है अभी हमें इस नए प्लांट को लगाने के लिए। तो चलिए आइए लगाते हैं टमाटर के प्लांट को। ऑलरेडी 2 प्लांट को मैं निकाल चुकी हूँ। एक टूल की मदद से हम इसे बाहर निकालेंगे ताकि इसका जड़ जो है वो बिल्कुल ना हो, रूट्स इसके बिल्कुल सही सलामत रहें, और इस तरह से पॉट में मैं इसे लगा रही हूँ। एक पॉट में 2 प्लांट शिफ्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा होल बनाएंगे वहाँ पे गड्ढा कर लेंगे और उसमें रखेंगे जिससे हमारा प्लांट इधर उधर गिरेगा नहीं, और इस तरह से लगा रही हूँ। तीसरा प्लांट इसमें थोड़ा हेल्दी नहीं है तो इसीलिए मैंने तीसरे को भी इसमें रहने दिया, लग गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं, 2 प्लांट हमारे पास रहेगा। ऊपर से ये फर्टिलाइज़र वाला सॉइल हमें दोबारा से फिल कर देना है। तो टमाटर का ये प्लांट हमारा लगकर तैयार हो चुका है, अब इसे वाटरिंग कर देना है, और वाटरिंग करके हमें किसी शेडी एरिया में 4 से 5 दिन के लिए इसे रख देना है ताकि ये मिट्टी में अपनी जड़ें बना ले, और उसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे। अगर आप भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो टमाटर का प्लांट बहुत ही बेस्ट है इस समय पर लगाने के लिए। एक टमाटर के प्लांट में नाना करते हुए भी लगभग 1/2 किलो तक टमाटर तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा प्लांट हो गया है तैयार। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्लांट को ज़रूर लगाएं। जो भी आपके एरिया में लग जाते हैं या जिसे भी आप लगाना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद बेल नोटिफिकेशन, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।